हे गाइस, वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ का एक चैप्टर है जो है चैप्टर नंबर 16, टाइम टू प्ले ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं उसका रीडिंग। चार्ल्स अलाइटेड फ्रॉम हिज स्कूल बस चीयरफुली विसलिंग एज ही नियर्ड हिज हाउस। लाइटेड का मतलब होता है वहाँ से निकलना, फ्रॉम हिज स्कूल बैग, सो वहाँ से बिल्कुल निकल गया। चेयरफुली विसलिंग एज ही नियर्ड हिज हाउस, और वो खुशी से विसल करने लगा जैसे जैसे अपने घर के पास जाने लगा। हियरिंग हिज विसल, टाइसन हिज पेट डॉग इमीडिएटली स्प्रैंग अप फ्रॉम द फ्लोर एंड ग्रैबिंग अ बॉल इन हिज माउथ बाउंडेड ऑन द काउच टू रीच द विंडो। तो विसल को सुनते ही टाइसन, जो उसका पेट डॉग है, वो तुरंत कूद मारा, स्प्रैंग अप फ्रॉम द फ्लोर, ज़मीन से, एंड ग्रैबिंग अ बॉल इन हिज माउथ, और उसने अपने एक बॉल को अपने मुंह पे पकड़ा और फिर कूद गया वो काउच पे टू रीच द विंडो, विंडो पे पहुँचने के लिए। टाइसन देन ड्रॉप द बॉल टू चार्ल्स थ्रू द विंडो। और टाइसन ने खिड़की से बॉल को ड्रॉप कर दिया, यानी फेंक दिया किसके, चार्ल्स की तरफ। ही वॉज ईगर टू प्ले फेच विद चार्ल्स, और वो बहुत ही ईगर यानी बहुत ही आतुर था चार्ल्स के साथ फेच खेलने के लिए। It was a routine for Charles and Tyson to play after Charles returned home from school. ये उन लोगों का रूटीन था, यानी रोज़ ये लोग ऐसा करते थे कि चार्ल्स और टाइसन एक साथ खेलते थे जब चार्ल्स स्कूल से वापस आ जाता था। In the evening, Charles would take Tyson along to play hide and seek with his friends. और शाम के समय चार्ल्स टाइसन को अपने साथ लेकर हाइड एंड सीक खेलने जाता था अपने दोस्तों के साथ, अलॉन्ग यानी साथ में। दे वुड ऑल हाइड एंड टाइसन वुड फाइंड देम विद इन अ फ्यू मिनट्स। वो सारे छुप जाते थे और टाइसन उनको बहुत, मतलब कुछ मिनटों में उनको ढूंढ निकालता था। वन डे चार्ल्स रिटर्न्ड होम फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन यूजुअल। अर्लियर यानी जल्दी, यूजुअल यानी हमेशा की तरह। तो एक दिन चार्ल घर लौट गया अपने स्कूल से बाकी दिनों से जल्दी। टाइसन वॉज सरप्राइज टू सी हिम, और टाइसन सरप्राइज था उसको देख कर, एंड वंडर्ड Why he hadn't whistled to call him that day? और वो सोच रहा था कि आज उसने मुझे whistle करके बुलाया क्यों नहीं। टाइसन चार्ल्स का पेट डॉग है। He followed Charles as he entered his room excitedly. वो चार्ल्स के पीछे पीछे गया जैसे वो अपने रूम में गया, चार्ल्स के पीछे गया। But Charles shut the door on him. पर चार्ल्स ने उसके सामने दरवाज़ा बंद कर दिया। टाइसन केप्ट बाकिंग आउटसाइड द रूम। टाइसन भौंकता रहा रूम के बाहर, एज ही वॉन्टेड टू प्ले विद चार्ल्स, क्योंकि उसे चार्ल्स के साथ खेलना था। बट चार्ल्स इग्नोर्ड हिम, पर चार्ल्स ने उसको अनदेखा किया, यानी उसको ध्यान नहीं दिया। दिस कंटिन्यूड फॉर मेनी डेज, और बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एंड टाइसन वॉज रियली अपसेट, और जो टाइसन था वो बहुत दुखी हो गया। इन द इवनिंग चार्ल्स फ्रेंड वुड कॉल आउट टू हिम, बट चार्ल्स रिफ्यूज टू प्ले टू गो आउट टू प्ले। और शाम के समय चार्ल्स के दोस्त उसको खेलने के लिए बुलाते थे, पर चार्ल्स ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ करना यानी मना कर दिया बाहर खेलने जाने के लिए। Then one evening, फिर एक शाम को, Tyson was determined to get Charles out to play with him. तो Tyson जो था वो बिल्कुल determined था, यानी बिल्कुल
सोच के बैठा था कि आज वो चार्ल्स को बाहर ले जाएगा खेलने के लिए. सो ही स्टार्टेड टगिंग एट चार्ल्स शर्ट विद हिज माउथ वाइल चार्ल्स वॉज बिजी प्लेइंग ऑन हिज कंप्यूटर. सो तो उसने क्या किया, उसने चार्ल्स के शर्ट को अपने मुंह से खींचने लगा. जबकि चार्ल्स अपने कंप्यूटर के गेम खेलने में व्यस्त था. चार्ल्स गॉट डिस्ट्रैक्टेड, चार्ल्स का ध्यान हट गया एंड लॉस द गेम, और वो उसने गेम में हार गया. ही वॉज फ्यूरियस, वो बहुत गुस्से में आ गया एंड स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम, और वो अपना पैर पटक के रूम से बाहर चला गया. किकिंग एवरीथिंग दैट केम हिज वे, और जो भी रस्से में था वो सब चीज़ों को लात मारता हुआ बाहर चला गया. ही थ्रू ऑन द फ्लोर द ट्रॉफीज दैट ही हैड वॉन फॉर बीइंग द बेस्ट पेट ट्रेनर, और उसने वो सारे ट्रॉफीज़ को भी नीचे गिरा दिया जो उसे बेस्ट पेट ट्रेनर के तरीके से मिला था. ही फेल्ट miserable बिकॉज ही हैड lost द गेम, उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो गेम में हार गया था. टाइसन was scared of Charles now and hid under the couch. तो जो टाइसन था उसने ये सारा चीज़ देखा और वो बहुत डर गया चार्ल्स से, और वो काउच के नीचे छुप गया. जस्ट देन चार्ल्स पेरेंट रिटर्न फ्रॉम होम फ्रॉम वर्क, उसी समय चार्ल्स के जो पेरेंट्स थे यानी माँ बाप थे वो काम से लौट आए. रिटर्न आना यानी लौट के आना. दे वर शॉक्ड टू सी चार्ल्स क्रिएटिंग अ मेस, वो लोग शॉक थे ये देखकर कि चार्ल्स मेस करके रखा है यानी सब बिखेर के रखा है. चार्ल्स मदर लुक्ड एट द डाइनिंग टेबल, चार्ल्स की मम्मी ने डाइनिंग टेबल पे नज़र दी एंड नोटिस्ड दैट ही हैड नीदर फिनिश्ड हिज लंच नॉर हैड ही गिवन टाइसन हिज फूड एज द बाउल वाज एम्प्टी. तो चार्ल्स, और इन्होंने ये भी ध्यान दिया कि ना ही उसने खुद खाना खाया और ना ही टाइसन को उसका खाना दिया है, क्योंकि उसका बोल भी यानी उसकी जो कटोरी थी वो भी एम्प्टी था यानी खाली था. व्हाट हैव यू बीन डूइंग ऑल डे चार्ल्स, पूरा दिन क्या कर रहे थे चार्ल्स. योर टीचर मिस स्टेसी इनक्वायर्ड, व्हाई यू हैव बीन मिसिंग स्कूल लेटली. She even said that you have not fared well in your class test, said Charles' mother. तुम्हारी टीचर जो मिस स्टेसी है उन्होंने पूछा कि तुम स्कूल को क्यों why you have been missing school lately, कुछ दिनों से क्यों तुम स्कूल को मिस कर रहे हो यानी तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो. She even said that you have not fared well in your class test, और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो स्कूल के टेस्ट के लिए. से चार्ल्स मदर, चार्ल्स की मम्मी ने कहा. स्कूल इजंट फन एनीमोर मदर, स्कूल में अब कोई मज़ा नहीं है मम्मा. आई हैव क्रॉस लेवल 99 इन माय न्यू कंप्यूटर गेम, मैंने 99 लेवल पूरे कर दिए हैं मेरे नए कंप्यूटर गेम में. वेरी सून, बहुत जल्द I shall become a champion, और मैं बहुत बड़ा champion बन जाऊँगा. Besides, I have many friends connected with me via the computer and the internet, with whom I can play the latest games, retorted Charles. उसके अलावा मेरे बहुत सारे friends हैं जो मेरे साथ connected है यानी मेरे साथ है computer के ज़रिए और इंटरनेट के ज़रिए, जिनके साथ मैं बहुत सारे नए नए गेम्स खेल सकता हूँ, ऐसा चार्ल्स ने कहा. रिटॉर्ट करना, रिटॉर्टेड का मतलब होता है कि सामने जवाब देना गुस्से में. डस कंप्यूटर गेम मेक यू हैप्पी, क्या कंप्यूटर गेम तुम्हें खुश करता है. इनफैक्ट कंप्यूटर गेमिंग इज़ मेकिंग यू डल, कंप्यूटर गेमिंग तुम्हें डल बना रहा है. अर्लियर व्हेन यू प्लेड विद योर फ्रेंड्स यू वे एनर्जेटिक,
पहले जब तुम अपने दोस्तों के साथ खेलते थे तुम बहुत एनर्जेटिक रहते थे, यानी पूरे एनर्जी से भरे हुए। यू ऑल्सो फेड वेल इन स्कूल बिकॉज यू प्लेड एज वेल एज स्टडी रेगुलरली। तुम स्कूल के में भी बहुत अच्छा काम करते थे क्योंकि तुम खेलते भी थे और उसके साथ पढ़ाई भी हमेशा करते थे। चार्ल्स लेट आउट अ डीप साई एंड टीयर्स रोल डाउन हिज चीक। तो चार्ल्स ने गहरी सांस छोड़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। टाइसन क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द काउच एंड लिक्ड चार्ल्स चीक टू चीयर हिम अप। तो चार्ल्स जो है वो काउच के नीचे से बाहर आया और उसने अपने टाइसन जो था वो सोफे के नीचे छुपा हुआ था वो बाहर आया और उसने चार्ल्स के चीक्स को लिक करना शुरू किया, यानी चाटा। चार्ल्स फादर पिक्ड अप द फॉलन ट्रॉफीज। तो चार्ल्स के जो पापा थे वो उन्होंने गिरे हुए सारे ट्रॉफीज को उठाए। दैट्स व्हेन ही हैड एन आइडिया। तभी उन्हें एक आइडिया आया। ही सेड, उन्होंने बोला, व्हाई डोंट यू वॉलंटियर एट मिस्टर रोबोट्स एनजीओ फॉर पेट्स। क्यों नहीं तुम मिस्टर रोबोट है उनके एनजीओ जो पेट के लिए है वहाँ पर जाके थोड़ा हेल्प कराओगे। दिस वे यू एंड टाइसन वुड हैव मेनी न्यू फ्रेंड्स टू प्ले विद एवरी डे। और इसी तरीके से तुम्हारा और टाइसन का के पास बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे खेलने के लिए रोज़। You can even train them for the upcoming pet competition. तुम उन्हें आगे आने वाले pet competition के लिए train भी कर सकते हो। Volunteer करना यानी free में किसी अच्छे चीज़ के लिए काम करना। Volunteer. Charles said, I would love to do that, father. चार्ल्स ने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगेगा पापा ये काम करके। आई वोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन कंप्यूटर गेम्स। अब मैं ज़्यादा समय कंप्यूटर गेम्स में नहीं खेलूँगा। आई वॉन्ट टू बी अ रियल सुपर चार्ल्स इंस्टेड ऑफ अ डल वर्चुअल चार्ल्स। मुझे एक सच्ची का अच्छा सुपर चार्ल्स बनना है, ना कि एक डल जो सिर्फ कंप्यूटर वर्चुअल जो असलियत ज़िंदगी में ना हो। उसे वर्चुअल चार्ल्स ऐसे नहीं बनना जो गेम की दुनिया का, जबकि उसे एक असली के सुपर चार्ल्स बनना है। चार्ल्स फादर कंक्लूडेड, रिमेंबर टेक्नोलॉजी इज बेस्ट यूज्ड एज अ टूल नॉट एज अ टॉय। तो चार्ल्स के पापा ने आखिर में कहा कि याद रखना बच्चा, टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ट यूज्ड एज अ टूल। टेक्नोलॉजी जो है उसे उसका बहुत अच्छा उपयोग टूल की तरह हो सकता है, ना कि एक खिलौने की तरह। थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए एंड वीडियो को लाइक करिए।